Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So, welcome back in on channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So, in this particular video, we talk about kingdom planting in details and in testing manner. So, I hope you really enjoy this session. So, if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box of my channel and about section of my channel. So, please go through about section of my channel and press the social media icon and join with us. So, I hope you really appreciate it with me. Let's start without wasting any time. Enjoy the video. Till end. वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो. तो टुडेज टॉपिक इज टेरिडोफाइट्स. दिस इज द लेक्चर नंबर ऑफ 4 ऑफ प्लांट किंगडम. सो इन टेरिडोफाइट वी ब्रीफली डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग व्हिच कंटेन टेरिडोफाइट्स. सो लेट स्टार्ट. सो हमने पिछले लेक्चर में देखा ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम उनको क्या बोलते हैं, है ना. तो टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम क्या बोलते हैं, इनको टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. Reptile of plant kingdom. तो हम आपको ये बता दें, जैसे जैसे हमारा evolution हमारा अगर animal के केस में हुआ और हमारा plant के केस में हुआ, दोनों एक साथ हुआ. जैसे हमारा animal के केस में हमारे जैसे फिशेस बनी तो हमारी plant kingdom में हमारी animal मतलब algae बनी. ठीक है, एनिमल में हमारी फिशेस बनी और प्लांट किंगडम में हमारी एल्गी बनी. ठीक है, और जब हमारे एम्फीबियंस बने यानी फ्रॉक्स वगैरह बने तो हमारे एनिमल में हमारे ब्रायोफाइट्स बने, और जो हमारे रेप्टाइल्स बने एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में हमारे रेप्टाइल्स बने, तो इसमें हमारे प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स बने. ठीक है, जब वहाँ पर हमारे मैमल्स वगैरह बने, हायर वर्टिब्रेट्स बने, एनिमल बने, तो यहाँ पे हमारे हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म वगैरह बने. तो हमारा जो एवोल्यूशन का एक सीक्वेंस देखा जाए तो हमारा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में साथ साथ ही हुआ. एनिमल का एवोल्यूशन और प्लांट का एवोल्यूशन साथ साथ ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो. अब यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम के बोलते हैं इसको. इसमें टेरिडोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, हॉर्सटेल क्या होते हैं, फर्न क्या होते हैं, है ना, स्पोरोफाइल्स क्या होता है. ये हमने देखा स्पोरोफिटिक कंडीशन डोमिनेंट हमारी टेरिडोफाइट्स में होती है, बट जो हमारी ब्रायोफाइट्स में थी उसमें गैमेटोफिटिक फेस हमारी डोमिनेंट थी, बट हमारी जो टेरिडोफाइट्स में हमारी स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट होगी. स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट होने का मतलब यहाँ पे हमारी टूयन यानी डिप्लॉयड कंडीशन जो होगी हमारी डोमिनेंट होगी. ठीक है, तो टेस्ट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं. सो लेट स्टार्ट. सो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्स, यानी टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हमारे उनमें हॉर्स टेल और फर्न होंगे. हमारे टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल और फर्न होंगे. टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस. जो हमारा टेरिडोफाइट होता है मेडिसिनल पर्पस से यूज होता है एज सॉइल ब्लेंडर. ठीक है, एज सॉइल ब्लेंडर. दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल. जो हमारा टेरिडोफाइट्स होता है मेडिसिनल पर्पस से तो यूज होता है, और हमारे ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट. जो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के रूप में, है ना, सजावट के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं. ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. ये हमारे एवोल्यूशनरी देखा जाए, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ तो ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल पाए जा रहे थे. जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं अभी मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको. ठीक है, सो इवोल्यूशनरी दे प्रोसेस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट प्रोसेस जाइलम वास्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को हम समझ ही लेते हैं. जाइलम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे जाइलम. ठीक है, जाइलम में जे आ रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा जो जाइलम होगा काम क्या करेगा. जाइलम का मतलब होगा, जे से मतलब होगा जल. जल का कंडक्शन करेगा यानी वाटर का कंडक्शन करेगा, यानी रूट से हमारा जल को स्टेम तक ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा. कंडक्टिंग टिश्यू होता है हमारा जाइलम, तो हमारा वाटर का कंडक्शन करेगा. और हमारे कुछ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी ले जाता है, मिनरल्स न्यूट्रिशन को भी ले जाता है मिनरल को. बट जो हमारा होता है फ्लोएम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो
फ्लोयम आधा फा बनेगा, ठीक है। फ्लोयम तो फ्लोयम या फा रहा है इसमें, तो फ्लोयम का मतलब होता है फूड, ठीक है। फ्लोयम फ्लोयम तो इसमें यफ आ रहा है, यफ से मतलब होता है फूड, ठीक है। तो ये हमारा फूड का कंडक्शन करेगा, हमारा फूड जो हमारा होगा, जो हमारी लीफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाएंगे, उसको हमारा ये रूट तक लाएगा और अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक ले जाएगा, जहाँ पे हमारी फूड की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द टेडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। टेडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सॉल्वेंडर। जो हमारा टेडोफाइट होता है मेडिसिनल पर्पज और सॉल्वेंडर के रूप में यूज होता है, और हमारे ऑर्नामेंटल में भी यूज होता है। यूब्लोसिनिज दिया था फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो हमारा जो यूब्लोसिनिज देखा जाए तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था, जिसमें वास्कुलर टिश्यू पाए जा रहे थे जैलम और फ्लोयम, जो कि हमारा जैलम था वाटर का कंडक्शन करा रहा था, और फ्लोयम जो था हमारा फूड का कंडक्शन करा रहा था फ्रॉम लीव टू रूट और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। यूजफुल स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर इन एम चैप्टर सिक्स में अच्छे से स्टडी करेंगे। द टेडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल। जो हमारे टेडोफाइट्स होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे कूल मतलब ठंडी जगह पे, डैम्प पे, अनसेडी प्लेस पे। टेडोफाइट हमारे ठंडी जगह पे होते हैं जहाँ पे, और सेडी प्लेस होता है छाया वाली जगह होती है, और ठंडी जगह होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। थ्रू सम वेव फ्लोरिस वेल सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ हमारे सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ पे बालुई जगह होती है, जहाँ पे बालुई मिट्टी होती है वहाँ पे जगह पे पाए जाते हैं। यू मे रिकॉल डेट ब्रायोफाइट इज डोमिनेंट फेस इन लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हमने ये देखा है, हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट के केस में कि हमारे जो उसमें लाइफ की साइकिल, लाइफ में डोमिनेंट फेस थी हमारी, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी जो कि हमारी हैप्लोइड थी। हमने आपको बताया था कि टेडोफाइट में हमारी स्पोरोफिटिक फेस जो होती है वो डोमिनेंट होती है। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी, ये हमको यहाँ पे दिया भी गया है, जो हमारी टेरिडोफाइट्स में होती हैं। हाउएवर टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। जो हमारे ब्रायोफाइट में थे ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं थे, बट हमारे टेरिडोफाइट में हमारे ट्रू लीफ हो गए, स्टेम हो गए और लीफ हो गई, जो उसमें हमारी ब्रायोफाइट में हमारी गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट थी, बट हमारी स्पोरोफिटिक सॉरी टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट है, यानी डिफ्लाइट कंडीशन डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें हमारे वास्कुलर टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, जॉलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। सीड हैबिटेट की कंडीशन जो होती है हमारी टेरिडोफाइट्स में होती है, सीड हैबिटेट क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, ठीक है। दीज ऑर्गन प्रोसेस वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू। ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू कंटेन करते हैं, जैसे जैलम और फ्लोएम। द लीफ इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो हमारी टेरिडोफाइट की लीफ होती हैं स्मॉल होती हैं, स्मॉल लीफ को हम बोलेंगे माइक्रोफाइल्स, है ना, माइक्रोफाइल्स। तो यहाँ पे क्या दिया हमारा, द लीफ ऑफ टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो हमारी टेरिडोफाइट्स की लीफ जो होती हैं स्मॉल होती हैं, स्मॉल चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रो। जब देखते हैं जो हमारा स्मॉल होता है, स्मॉल को हम बोलते हैं, स्मॉल को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। और जो लार्ज होता है हम उसको बोलते हैं माइक्रो, लार्ज जो होता है उसको माइक्रो बोलते हैं, एम ए सी आर ओ, ठीक है, माइक्रो, ठीक है। तो इसमें जो हमारी टेरिडोफाइट की जो लीफ है वो स्मॉल है, एज इन सिलेजिनेला। जो हमारा सिलेजिनेला में होता है उसमें लीफ होती है जो हमारी वो स्मॉल होती हैं, है ना। और जो लार्ज होती हैं, ये लार्ज जो लीफ होती हैं माइक्रोफाइल्स जो होती हैं हमारी, ये फर्न में होती हैं। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक का ये कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट मतलब ये ज़्यादातर जगह लागू हो जाता है। जो भी नाम हमारा छोटा होगा, है ना, जो भी नाम हमारा छोटा होगा, जैसे हमारा फर्न, ठीक है, ये केमिस्ट्री और बायो के दोनों के तो उस पर लागू होते हैं। अगर जो हमारा फर्न है, फर्न का नाम देखो छोटा है, बट इसके जो काम है वो बहुत बड़े हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, माइक्रोफाइल भाई बड़ी चीज़ को चिपकाए पड़ा है अपने पास में, ठीक है। और जैसे हमारा हो गया सिलेजिनेला, तो ये हमारा इसका नाम तो बड़ा है, नाम तो बड़ा है हमारा इसका, सिलेजिनेला का नाम तो बड़ा है, स्पेलिंग बड़ी बड़ी, ये क्या है भाई छोटी चीज़ को चिपकाया पड़ा है, ठीक है। मतलब जो बड़ा होगा उसके साथ छोटा ही नाम आएगा, ठीक है, छोटी चीज़ आएगी। ये हम केमिस्ट्री, और इसमें जैसे हमारा केमिस्ट्री में भी फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl, नाम तो बहुत बड़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इसका जो फार्मूला है तीन वर्ड का है, ठीक है, ऐसे। तो हमारी जो माइक्रो स्मॉल लीफ होती हैं वो हमारी होती हैं सिलेजिनेला में, और जो लार्ज होती है हमारी वो फर्न में होती हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरंजिया डेट, जो स्पोरोफाइट होता है हमारा स्पोरंजिया बियर करता है, डेट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेज कॉल स्पोरोफाइल्स। तो हमारा जो स्पोरोफाइट्स होता है वो स्पोरंजिया को
बियर करता है यानी धारण करता है, और जो लीफ लाइक अपेंडिजेज होती हैं हमारी स्पोरोफाइल्स होती हैं, है ना। सम केसेस स्पोरोफाइल्स में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जो कुछ केसेस में हमारी होती हैं जो स्पोरोफाइल्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर काल स्टोबलाई और कॉन्स, स्टोबलाइज और कॉन्स में डिस्टिंक्ट हो जाती हैं यानी विभाजित हो जाती हैं यानी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। जो स्टोबलाई कॉन्स हमारी किस में पाई जाती हैं, स्टोबलाई जो कॉन्स होती हैं हमारी, स्टोबलाई और कॉन्स होती हैं हमारी सिलेजनेला और इक्विसीटम पे पाई जाती हैं। स्टोबलाई कॉन्स ये हमारी किस में पाई जाती हैं, सिलेजनेला और इक्विसीटम पे पाई जाती हैं। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है एग्जाम पर, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना देता है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। द स्पोरंजिया प्रोड्यूस स्पोर, जो हमारी स्पोरंजिया होती है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है बाई मियोसिस इन स्पोर मदर से। जो हमारा स्पोरंजिया होगा वो हमारा स्पोर प्रोड्यूस करेगा बाई मियोसिस यानी रिडक्शन ऑफ डिवीजन से। कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, स्पोर मदर सेल में, यानी स्पोर्स हमारे बनते हैं हमारे स्पोर मदर सेल से ही बनते हैं, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज, जो हमारा स्पोर जर्मिनेट होगा तो एक हमारा गिव राइज करेगा, मतलब हमको देगा, क्या देगा, इन कॉन्सिफिकियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली थायराइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। एक हमारा जो हमारा ये होगा, जब हमारा स्पोर जर्मिनेट करेगा तो हमको एक प्रोथैलस देगा, है ना, प्रोथैलस देगा। तो हम ये देख ले, टर्डोफाइड में जो हमको फर्स्ट दिया गया है वो हमारा सिलेजनेला का एग्जांपल दिया गया है। ये फर्स्ट हमको जो दिया गया है ये हमारा सिलेजनेला का एग्जांपल है, ये सिलेजनेला का एग्जांपल है। इसमें हमको रूट दिया गया है, स्टेम दिया गया है, लीफ दिया गया है। ये हमको लीफ दी गई हैं, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये हमारा सिलेजनेला का है, सिलेजनेला का एग्जाम्पल हमारा, सिलेजनेला का एग्जाम्पल है हमारा। और ये जो हमारा है ये हमारा इक्विसीटम है, इक्विसीटम है, इक्विसीटम का एग्जांपल दिया गया हमारा। इसमें राइजॉइड हो गए, है ना, ये ब्रांच्ड हो गए इसकी, ये नोड हो गए, ये इंटरनोड हो गए, ये नोड हो गए, ठीक है। दो नोड के बीच की दूरी को हम इंटरनोड बोलते हैं, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जिसके बीच की दूरी को हम इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है, इंटरनोड बोलेंगे। और ये हमारा जो स्टोबिलस हम भी बोलते हैं, स्टोबिलस को हम और भी नाम से जानते हैं, इसको हम कौन से भी बोलते हैं, स्टोबिलस को हम कौन भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, लैक्स भी बोलते हैं, लैक्स, ठीक है, लैक्स भी बोलते हैं हम। ये हमारा इक्विसीटम का एग्जांपल हो गया। ये जो हमारा है हमको सी दिया गया है, सी जो दिया गया है हमारा, ये फर्न दिया है हमको, फर्न, ठीक है, फर्न की जो हमारी है ये फर्न है, ठीक है, ये फर्न हो गया। और ये जो हमको दिया गया है साल्विनिया है, साल्विनिया, ये हमको दिया गया साल्विनिया, ये हमारा साल्विनिया है, ठीक है, ये हमारा एक्वाटिक फर्न होता है, साल्विनिया हमारा एक्वाटिक फर्न होता है, एक्वाटिक फर्न होता है। आगे हम देख लेते हैं, जो स्पोर्ट्स हमारे जो होते हैं वो हमको क्या कह देते हैं, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायराइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस देते हैं। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो, ये हमारे गैमेटोफाइट्स को हमारे ग्रो करने के लिए हमको कूल ठंडी जगह चाहिए, डैम्प चाहिए और स्टडी प्लेस चाहिए ग्रो होने के लिए। बिकॉज दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टर्डोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एज नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। तो इसका मतलब ये है कि हमको ऐसी ऐसी कंडीशन चाहिए कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको वाटर की ज़रूरत होती है। हमारे ब्रायोफाइट्स में मैंने देखा, टेरिडोफाइट्स में भी हम देख रहे हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक क्यों पाए जाते हैं, इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म में होते हैं वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिम्नियोस्पर्म का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये हर जगह पर पाए जाएंगे ज़्यादातर, पर इसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में ये लिमिटेड इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि फॉलो नहीं हो पाती हैं। हर जगह हमको जैसे वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, डिजर्ट में नहीं अवेलेबल है। तो इसी वजह से हमारा जो इसको ब्रायोफाइट और टर्डोफाइट्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नैरो जियोग्राफिकल का तो होता है, नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक ही होता है इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से, है ना, बहुत सारी कंडीशन इसमें, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारे ब्रायोफाइट्स और टर्डोफाइट्स का हमारा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब
कुछ ही जगह में पाया जाता है। ये क्यों होता है तो इसका हम एक आंसर कर देंगे, क्योंकि इसके जो हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए होती है वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है सेक्सुअली प्रोडक्शन के में, तो इसलिए हमारा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक होता है। ठीक है, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो हमारे गैमेटोफाइट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने ब्रायोफाइट में आपको बताया था एंथ्रेडियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड, जो हमारा एंथ्रेजॉइड होता है, एंथ्रेजॉइड जो होता है हमारा, इसके लिए हमारे वाटर की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र होने के लिए। द मेल गैमेट, एंथ्रेजॉइड जो होता है हमारा मेल गैमेट होता है, रिलीज फ्रॉम एंथ्रेडियम, जो हमारा एंथ्रेजॉइड होता है वो मेल गैमेट होता है, एंथ्रेडिया से रिलीज होता है, है ना। और ये हमारे मेल गैमेट है तो हमारा भाई मेल भाई फीमेल के पास ही जाएगा, है ना, अपनी ज़रूरत के लिए। तो इसमें हम देखते हैं, तो मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम से हमारा मेल गैमेट रिलीज होता है टू माउथ ऑफ आर्किगोनिया, और हमारी माउथ ऑफ आर्किगोनिया में जाता है, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा माउथ ऑफ आर्किगोनिया में तो जाएगा, माउथ से एंट्री मारेगा भाई, बट इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, नेक ऑफ आर्किगोनिया में होता है। ये हम याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है घुमा देगा, ठीक है, नेक ऑफ आर्किगोनिया में होता है फर्टिलाइजेशन इसका हमारा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इसका मतलब ये है कि जब हमारा मेल गैमेट, यानी देखो ये हो गया हमारा मेल गैमेट, ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट, अब इन दोनों का हम कराएंगे फ्यूजन, जब फ्यूजन होगा तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। तो यही हमको दिया गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम, मतलब एग जो हमारा आर्किगोनियम में प्रेजेंट है वहाँ पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है हमारा नेक ऑफ आर्किगोनियम में, ठीक है, तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाता है। ठीक है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर, जो हमारा जाइगोट होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो हमारा जाइगोट होता है वो प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फिट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में हमारी जो होती है वो गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट होती है, बट हमारी जो टेरिडोफाइट में होती है वो हमारी स्पोरोफिटिक फेस जो होती है हमारी वो डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट्स जो हमारी स्पोरोफिटिक यानी टूयन कंडीशन जो होती है हमारी वो हमारी डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है हमारी टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होती हैं हमारी टेरिडोफाइट में होती हैं स्पोर जो होते हैं हमारे सिमिलर टाइप के होते हैं, सिमिलर टाइप के यानी होमोस्पोरस। ठीक है, होमो मतलब सेम, स्पोर्स मतलब स्पोर्स। ठीक है, सिमिलर स्पोर्स जो हमारा ब्रायोफाइट भी होता है वो भी हमारा होमोस्पोरस ही होते हैं, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो हमारे हेटरोस्पोरस होते हैं, इसमें हमारे हेटरोस्पोरस इसमें भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है टेरिडोफाइट्स में, उसके बारे में आपको ट्रिक देंगे भी। ठीक है, आप उसमें देखिएगा, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। ठीक है, जेनेला लाइक सिलेजनेला एंड सार्मेनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मतलब इसमें एक्सेप्शन आ गया, सिलेजनेला के जेनेला और सार्मेनिया के कुछ डिफरेंट टू टाइप के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, एक लार्ज होता है, है ना, मैंने आपको बताया था लार्ज को माइक्रो बोलते हैं और स्मॉल को माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, टू टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम हेटरोस्पोरस बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी दूंगा अभी। ठीक है, द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो लार्ज होता है, मेगा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, और जो मेल होता है हमारा वो स्मॉल होता है, ठीक है, वो यानी छोटा होता है, हमारा छोटा होता है। मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली, मतलब
जैसा जैसा दिया है कि मेल हमारा छोटा होगा, फीमेल हमारी बड़ी होगी। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स। मतलब जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट होती है, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हमारी जो फीमेल का गैमीट होगा, ठीक है, वो हमारी पेरेंट बॉडी पे कुछ समय पेरेंट बॉडी पे रिटेन्ड हो जाती है स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। जो हमारा पेरेंट बॉडी है, डोमिनेंट फेड हमारी स्पोरोफाइट है, उस पर हमारी मेल गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड कंडीशन जो हमारी रिटेन्ड हो जाती है कुछ समय के लिए फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इंटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो हमारा डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो का, ठीक है, जाइगोट जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जो जाइगोट से हमारा यंग एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, यंग एम्ब्रियो बनता है वो हमारा फीमेल के गैमेटोफाइट में बनता है। ठीक है, दिस इवेंट इज ए प्रिकॉर्सर टू सीड हैबिटेट। ये हमारा इंपॉर्टेंट है फीचर्स। दिस इवेंट टू प्रिकॉर्सर टू सेड सीड हैबिटेट। सीड हैबिटेट जो हमारा होता है वो फीचर्स होता है टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, सीड हैबिटेट होता है हमारा फीचर्स होता है वो टेरिडोफाइट्स का होता है। सीड हैबिटेट कहाँ पे देखा गया, सीड हैबिटेट की कंडीशन कहाँ पे पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, कंसाइडर ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। जो हमारा सीड हैबिटेट को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसाइडर किया गया एवोल्यूशन में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट ये सिंपल है यार, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पढ़ सकते हैं, सिंपली मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि भाई बाहुबली बनना पड़ेगा तभी हमको शक्तिमान बनना पड़ेगा तभी याद होगा, ये नॉर्मली भी याद हो सकता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा है टेरिडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। देखो इसकी क्लासेस के बारे में देख लेते हैं, हम पहले क्लासेस के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी चार क्लासेस जो होगी हमारी सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा में हमारा क्या आएगा, सिलोप्सिडा पी साइलेंट है इसमें। सिलोप्सिडा से हमारा इसमें भी आ गया स्टार्टिंग सिलोटम। ठीक है, सेम हो गया PSI इसमें भी, और इसकी क्लास का जो सिलोप्सिडा इसमें, यानी सिलोप्सिडा में क्या आ जाएगा, सिलोटम आ जाएगा। ठीक है, जो लाइकोप्सिडा LY है, तो इसमें तो हम एक देखें लाइकोपोडियम आ गया, LY से मिल गया हमको लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम मिल गया, और एक हमको याद करना पड़ेगा इसमें स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम हो गया। ठीक है, अब हमको देखा इफ्नोप्सिडा हमको दिया है, इफ्नोप्सिडा जो हमारे इफ्नोप्सिडा हैं, इफ्नोप्सिडा में हम एक याद कर लेंगे इक्विसिटम हो गया। ठीक है, और हमारा टेरिडोफाइट्स में देखो PTER हो रहा है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में आ गया टेरिस टेरिडोफाइट्स से टेरिस हो गया याद कर लेंगे हम, सिंपल हैं, और ड्रैप टेरिस हो गया, मिलते मिलते वर्ड हैं दोनों। और एडियंटम को वॉकिंग फंग भी बोलते हैं, वॉकिंग फर्म बोलते हैं, मतलब ये टलता घूमता रहता है, वॉकिंग फर्म बोलते हैं एडियंटम को। ठीक है, तो हमको इसकी चार क्लासेस के बारे में पता चल गया कि फोर क्लासेस को हम टेरिडोफाइट्स को फोर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सिलोप्सिडा में हम सिलोटम को पढ़ते हैं, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला को लाइकोपोडियम को पढ़ते हैं, और इफ्नोप्सिडा में हम इक्विसिटम को पढ़ते हैं, एंड टेरिडोफाइट्स में टेरिस ड्रैप्टोरिस और एडियंटम को हम वॉकिंग फन भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो हमारा इसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए मोस्टली जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, टेरिडोफाइट्स मोस्टली होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, बस इसमें कुछ हेट्रोस्पोरस हैं, तो उसके लिए कुछ तो ट्रिक चाहिए ना याद करने के लिए, हमको याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, MAS मास, यम से हो गया मार्सेलिया, जम से हो गया हमारा मार्सेलिया
मार्सिनिया, ए से हो गया हमारा एजोला, ए से हो गया हमारा एचोला, ठीक है, और यस से हो गया, एक यस से हो गया हमारा सिलाजिनेला, सिले जिनेला, सिले जिनेला, और एक यस से हो गया हमारा साल्विनिया, साल्विनिया, साल्विनिया को हम बोलते हैं एक्वाटिक फर्न भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक्वाटिक फर्न होता है हमारा, एक्वाटिक फर्न होता है हमारा, ठीक है, एक्वाटिक फर्न होता है हमारा साल्विनिया। जैसे हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे, टेरिडोफाइट को रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, तो टेरिडोफाइट हम होता है ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल में यूज होता है, ऐसे हमारा ब्रायोफाइट भी, एक ब्रायोफाइट जो होता है वो भी हमारा मेडिसिनल होता है, उसकी एक चाय होती है, ब्रायोफाइट्स में एक चाय होता है जो कि हम गॉल ब्लैडर की पतली को, किडनी की स्टोन को डिजॉल्व करने में यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा, उसके उसका नाम होता है हमारा, क्या होता है वो, पॉली ट्राइकम, पॉलीट्राइकम क्यूम्यून, पॉलीट्राइकम क्यूम्यून, ये पॉलीट्राइकम क्यूम्यून जो होता है ये एक तरह की चाय है, और जो कि हमारा किडनी की और गाल ब्लेडर की स्टोन को डिजॉल्व करता है, ठीक है, ये हमारा ब्रायोफाइट से, ये हमारी ब्रायोफाइट से ही ऑप्टेन होती है, ठीक है, जो कि हमारी किडनी की और गाल ब्लेडर की स्टोन को डिजॉल्व करने में हेल्प करती है ना। सो फिलहाल हमारा टेरिडोफाइट्स ख़त्म हुआ, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इफ़ यू लाइक माय सेशन सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड एंड एंजॉय द सेशन, सो थैंक यू, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, सो प्लीज थम्स अप।